में रकल रात से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु कि हमें क्या वचन हम लेकर आई, कुंची बताई, क्या तुम्हारी सोच है, कुंची है, और प्रभु हमें वहाँ पर ले गए कि पूछिस बोले हमसे बोले कि तुम काय है बोले। प्रभु की जय। व्हाई डू आई एग्जिस्ट, काय है तू, प्रभु की जय। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ देखियो, कुछ समझे कोशिश करियो कि प्रभु हमों के काहे बनाई से पहला चीज, और काहे अमंग है, कौन कारण बस अमंग है, प्रभु की जय। कभी कभी हमोंग जब बोलता है कि प्रभु में हम विश्वास करता है, परमेश्वर के साथ में हमोंग मनता है रहे, परमेश्वर के साथ ही रहे एक्सेट्रा, तो हमोंग कौन चीज करता है, हमोंग अपन पर्पस को नहीं जानता है ना। अभी प्लेन है, प्लेन अगर हुड़ी नहीं ना हुड़ नहीं पाई तो दैट मीन्स प्लेन अपन पर्पस फुलफिल नहीं कर पाए, प्रभु की जय ना। बहुत सारे चीज़ें जो न के पर्पस रहे ना लाइफ पे, प्रभु की जय ना। अभी इलोन मस्क खोजे और अपने आप को क्वेश्चन पूछे कि काय हम के बनावा गए ना, तो जगह जगह चीज़ में वो इन्वेस्ट करे है और एक्सपेरिमेंट करे है। अभी बोले एक इंसान के दिमाग में मगज में एक चिप को डाली से कि पता लगाए कि दिमाग कैसे काम करे, प्रभु की जय ना। टेक्नोलॉजी इतना भारी हो गई है कि फोन आते हैं बता दे तुम कितना डेक चला, प्रभु की जय ना। तो फोन के जो पर्पस है, फोन के ढेर पर्पस है ना। अब तुम बैंक में जाकर काम नहीं है, तुम्हारे बैंक के सब एक्सेस तुम्हारे फोन में ना, और तुम्हें कोई से बात करे के फोन में, कोई के लगे मैसेज भेजे के, प्रभु की जय। तो फोन के लगे एक पर्पस है, इसके लगे एक पर्पस है ना। तो वो पर्पस फोन अगर हम नहीं यूज़ करा मैसेज भेजने में, कॉल करने के लिए नहीं यूज़ करा ना, और अगर एक्सरसाइज कर रहा इंसान उसके मेजरमेंट करने के लिए वो नहीं कर पाए, तो हम जो फोन के इस्तेमाल करना है उसके पर्पस नहीं कर पाता, प्रभु की जय। मोटर गाड़ी है घर पर, अब मोटर चलाए कि नहीं, तो दैट मीन्स तुम मोटर के जो पर्पस है उसके तुम फुलफिल नहीं करता, प्रभु की जय ना। तो जब यीशु या परमेश्वर तुम्हें बनाई से, तो तुम्हार एक पर्पस है, तुम्हार एक यूज है, प्रभु की जय। कोई कारणवश परमेश्वर तुम्हें बनाई से, तबे से तुम है यहाँ। तुम यहाँ पर नहीं है घर में सबरे रात के सुतो, सबरे उठो, खाना बनाओ ना, और काम पे जाओ, काम पे से घरे आओ, प्रभु की जय। तुम्हार खाली तुम्हार वो यूज़ नहीं है, वो तो तुम्हें करेक्ट पड़े, बिकॉज पाप आ गए है और परमेश्वर के पाप के जो सजा रहा उसके काम रहा हमों के मेहनत करके रोटी खाना है, प्रभु की जय। वो जो है वो एक श्राप हमों के ऊपर आई से, बिकॉज हमों के चुनावों के कारण, प्रभु की जय। और हमों के जो असली काम है, असली जो यूज है, असली पर्पस है, हमोंग नहीं जानता है, कई लोग नहीं जाने उसके तुम्हारे असली पर्पस कौन सी है। और सबके लिए पर्पस दूसरा दूसरा पर्पस है, प्रभु की जय ना। दूसरा दूसरा खूबी परमेश्वर तुम्हारे अंदर भर दी से, तुम सबको दूसरे दूसरे चीज के लिए इस्तेमाल करा जाए। सब प्रचार नहीं करे ना, सब एक दूसरे के मदद नहीं करे, प्रभु की जय ना। सबके दूसरा दूसरा इस्तेमाल करना है। तो हमों के जानना है कि हमों के पर्पस कौन चाहिए, कि परमेश्वर से तुम्हें पूछना है कि प्रभु तू हमें काय बनाया है, हमार काम कौन चाहिए, हमार यूज कौन चाहिए, ये बर्तन जो तू बनाया है इसमें कौन सी करे के लिए तुम हमें बनाया है, हमारा पर्पस कौन चाहिए, हमें कौन सी करना है, प्रभु की जय। और आजकल के लोग इतना व्यस्त हो गए हैं दुनियादारी में, दुनिया के कामों में, कि वो लोग भूल गए ने कि हमों के जो एक्चुअल पर्पस कौन सी परमेश्वर हमों के बनाई से, हमों एक्सीडेंट नहीं है, परमेश्वर हमों के नाम से जाने, हमों के पैदा हुए से पहले जाने कि डेनियल पैदा हुई, डेमियन पैदा हुई, प्रभु की जय।
तो तुम्हार कोई काम से परमेश्वर तुम्हें बनाई से, प्रभु की जय, कोई काम से परमेश्वर तुझे बनाई से, कोई पर्पस है उसके। अभी तुम अगर फुल अगर तुम अपने आप के परमेश्वर के पर्पस में तुम्हें इस्तेमाल नहीं रहे तो तुम खाली खाली रहे, खाली खाली फील करता है कि हम गड़बड़ हमें जरा उल्टा काम करता। और वचन जो है, अबे जब एक बात हम बोलेगा, दो चीज़ें, सक्सेस है फेलियर है, जीवन है मौत है। प्रभु की जय, सक्सेस है फेलियर है, और फेलियर है इज यू आर बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। प्रभु की जय, फेलियर के डेफिनेशन कौन सी है, यू आर वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। और सक्सेसफुल, और जो तुम सक्सेसफुल के मैं मीनिंग कौन सी है, तुम सक्सेसफुल है इन द राइट थिंग्स। प्रभु की जय, दो चीजें, अब तुम आइदर सक्सेसफुल इन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स और यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग द राइट थिंग्स। प्रभु की जय, कितना जन के लेके कान है, आमेन, कितना जन सुने हैं। तो हम लोग के, हम जो व्यक्ति लोग हैं, हम जो इंडिविजुअल्स है, हम के परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु हमारा कौन काम है, हमें कौन सी करे के है, हमार पर्पस कौन सी, तुम कौन सी के लिए हमें बनाया है, कौन कारण बस हम है दुनिया में। प्रभु की जय ना, कोई जन लोग दुनिया में इतना व्यस्त हो जाए, दिल टूट जाए, मांगे मर जाए। प्रभु की जय ना, और कोई जन रहे हुए है बुरे कामों में, लत में पड़ जावे है और उसमें भाग जाए। इस सप्ताह हम काफ़ी यूनिक सिचुएशन से गुजरा, यूनिक सिचुएशन से गौत्रू करा। मैंने देखा एक बेटी 12 साल के, जिसके डॉक्टर बताइए बोले तुम्हारे मूड में एक ब्रेन ट्यूमर है, और तुम्हारा जो ब्रेन ट्यूमर है हम रिकमेंड नहीं करेगा तुम्हें उसके ऑपरेट करना। प्रभु की जय ना, बिकॉज तुम्हारा जो ब्रेन ट्यूमर है बोले मगज में, बोले मूड में, बोले एक नस के ऊपर है, और अगर तुम्हें हम ऑपरेट करा तुम शायद सर्वाइवल नहीं रही। प्रभु की जय, हम उस लोगों के घर पे गया और हम प्रार्थना करता, हम सोचता, हम प्रार्थना भी उसके घर पे करा, और हम बोला कि प्रभु एक बेटी है और डॉक्टर बताया कोई रास्ता नहीं है, वो माँ के ऊपर क्या गुजरे है, वो पिताजी के ऊपर क्या गुजरे है। प्रभु की जय, जब शैतान जब बताई दी से डॉक्टर बोले कुछ करना करे कर नहीं सकता। प्रभु की जय ना, वो बेटी के लिए भी परमेश्वर एक पर्पस रखी से। प्रभु की जय, जो स्त्री रहा जो 12 साल से लहू में उसके कितना जन नहीं जन्म से लहू उसके बीमारी रहा। प्रभु की जय, यीशु मसीह के कपड़ा छूने के द्वारा वो चंगा हो गए। परमेश्वर के प्रभु यीशु के कपड़ा छूने के द्वारा वो स्त्री के भी एक पर्पस रहा, उसके पर्पस रहा कि हम लोग को बताना कि यीशु मसीह के छूने के द्वारा, छूने के द्वारा, जाने में अनजाने में यीशु मसीह के छूने के द्वारा प्रभु में सामर्थ्य, तुम चंगा हो जाएगा। प्रभु की जय, वो स्त्री पैदा हुई रहा, जिंदगी भर वो लहू के पीरा में गुजरता रहा, खेली उसके मुलाकात यीशु के साथ में होने के लिए। प्रभु की जय, अंधा व्यक्ति जोन वो जोन टेंपल के जोन पानी के लगे खड़ा रहा, जोन पानी बोले एक ही बार हिलता रहा ना सात बार साल में एक दफे हिलता रहा, और जोन भी उस पानी में पहले जंप करता रहा बोले चंगा हो जाता रहा। प्रभु की जय, और ये व्यक्ति जिंदगी भर से वहां पर बैठ के वेट करे कि कब हम कूद जाए, और कोई उसके वहां मदद करेला नहीं रहा, बट यीशु से मुलाकात करने के लिए उसके परमेश्वर बनाई सा। प्रभु की जय, आमेन। तो हम बताता है तुम्हें कि अगर तुम सोचता है कि तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तुम्हें कोई चीज के लिए तुम्हें बनाई नहीं है परमेश्वर, या तुम नहीं जानता है कि तुम कौन सी के लिए बनाया गया है, तो तुम्हें जानना है कि प्रभु तुम्हें कोई कारणवश बनाई से, तुम्हें प्रभु से पूछना है कि प्रभु
तुम हमें काय बनाया। और तुम में पता लगी, कैसे पता लगी, जब तुम सोता में जुड़ा रहेगा, जब तक तुम परमेश्वर से बातचीत नहीं करेगा ना। अभी प्रार्थना के बारे में हम सीखता है, हम संडे स्कूल में बातों को सीखता है, हमों के बहुत जरूरी है अपने अपने काम के बारे में जानो कि हमों के असली में काम क्या है, हमों के पर्पस लाइफ में कौन सी है। तुम हम नहीं सकता एनजी के पर्पस मेरे वे, हम नहीं सकता, हमारा पर्पस डिफरेंट है फ्रॉम हमारे पिताजी के पर्पस। प्रभु की जय, हमों के पर्पस एक पर्पस नहीं है, हमों के प्रभु यीशु के राज में अलग अलग काम देवा गया है। तब ऐसे प्रभु वचन में हमों के कई बार दिखाई से कि बोले अगर एक डाली झुराए गए है और फल नहीं देवे है, वो डाली के कौन सी करो छाड़ दो। प्रभु की जय, तो डाली के भी काम है, फल के भी काम है, पत्ती के भी काम है, प्रभु की जय, जड़ों की काम है, प्रभु की जय। तो हमों के प्रभु जब बनाई से बोले वही काम हमों के काम के लिए बनाई से, बिकॉज हमों कोई कारण बस हम यहां पर है, हमों कोई वजह से हमों इस दुनिया में है, और हमों के जानना है हमों के कौन कारण से वो करना है, और हमों के खोज करना है। प्रभु की जय, हमों के खोज करना है, हमों के काम नहीं है कि काम पे जाओ घरे आओ, काम पे जाओ घरे आओ पैसा कमाओ, वो दुनियादारी है, वो दुनिया है। प्रभु के वचन में बताया बोले जो लोग दुनिया से प्रेम करे है हमसे नहीं प्रेम करे है। कितने लोग पैसा 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 पीछे भागे। आज हम वचन में सुना कि हमों के डेली ब्रेड जरूरत है। प्रभु की जय, हमों के रोजी रोटी को जरूरत है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर प्रभु हमें देना दो। प्रभु की जय, प्रभु की जय। तो हम कौन सी करता है, हम अपन गोदाम भरने बनता है, भरे बनता है, हम अपन गोदाम भरे बनता है, हम अपन समझ से काम करे बनता है। हम परमेश्वर से पूछा कि हम के क्या काम है। प्रभु की जय, हम के क्या काम है। अभी तुम मूसा के देखो, मूसा के जब प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया उसको एक यहूदी के घर में पैदा हुए, एक इजरायलिटी के घर में पैदा हुए, और उस समय पर इतना कठिनाई हुई गए कि उसके माँ उसके जो समुद्र कौन सी जो नदी रहा, नदी में उसके बालक को रख के परमेश्वर के हाथ में सौंप के उसके छोड़ दीस। प्रभु की जय, अब वो जो मूसा है, मूसा भी एक पर्पस रहा। अब उसके माँ एक ऐसा निर्णय को बनाईस, ऐसा एक ऐसा चुनाव करीस कि हम अपन बालक के बचा ली, नहीं तो हमारे बालक के ये इजिप्शियन लोग मार दे। बिकॉज उस समय पर वहां पर एक बात रहा कि बोले एक मसाया आई ना, कुछ रहा, कुछ ऐसा कुछ रुमा सही भी आ रही कि ये जो जो इजरायलिटी लोग के वो लोग को छुटकारा दे। जो वादा प्रभु परमेश्वर आदम से करीसरा या उनके पुरकाओं से करीसरा, उस वादा को जब लोग बातचीत करता रहा, एक दूसरे को उकसायत करता रहा कि एक सेविया आने वाला है, और मूसा के समय पर भी वही हलचल भे, और कौन सी भे, सब छोटा बालक को लोग मारने लगा कि सेविया सवाइव नहीं मांगो को। प्रभु की जय, तो ये बालक को पानी पर छोड़ दीस, बालक को जो न फेरो के भैनी रहा उसके मिल गए, वो कौन सी करे जिसके लेकर अपनी बेटा करके उसके पाल पोस के बड़ा करे। प्रभु की जय, मूसा के असली पर्पस क्या रहा अभी तुम समझना। तो कौन सी भय, तो मूसा बड़ा भय, मूसा देखी इसकी जो न इजिप्शियन आदमी लोग हैं इजरायली लोगों को खूब मारे हैं और बहुत दुख आ गए उसके, तो लड़ उड़ के एक इजिप्शियन मर गए। प्रभु की जय, और वो कौन सी करे भाग गए, चल दिस बोले जाने कि हम पकड़ाया गया तो हमें भी मार दी। प्रभु की जय ना, तो जब उसके वो माउंटेन में रहा, वो जन जगह पर रहा, उसके जब प्रभु यीशु उसको मिला या परमेश्वर उसको मिला और परमेश्वर उसके बताई बोले कि मूसा हम मनता तुम्हें भेजे इजिप्ट,
जाओ इजिप्ट और हमारी लोग को छुटकारा वहां से फेरो से बताओ कि उन लोग को भेजो, हम मनता उन लोग आए कि हमें दंडवत करो माउंटेन पे चुनाव आदेश में। प्रभु की जय ना। मूसा के काम क्या रहा? मूसा हर रकम से प्रभु को बताई, बोले परमेश्वर हम बात नहीं करे जनता, हम जाएगा हमें मार दई, सब रकम के भाना बताई। तो कभी कभी हम के जो पर्पस है लाइफ में, हम के सामने रखान रहे, हम कौन सी करता है परमेश्वर के बोलता है, हमने सोचता हम कर पाएगा। प्रभु की जय। हम अपने आप पे डाउट करे लगता और हम बोलता प्रभु हमने सोचता हम कर पाएगा ना। मूसा भी उसी तरह कुछ शुरुआत करी, बिकॉज वो डर गए कि हम एक इजिप्शियन के मारा है, हम एक एक एक, एक, एक गुनाह करा है उन लोगों की निगाह में और हम जाएगा हमें मार डाली लो। प्रभु की जय। आमेन। प्रभु की जय। कितना जन सुने? आमेन। मूसा कौन सी करीस? मूसा बहुत भाना बनाई, कौन सी भाना बनाई, बोले बोले हम आई एम द रॉन्ग गाय फॉर इट। ये रकम बताइस प्रभु के, प्रभु आई एम द रॉन्ग गाय फॉर इट, आई डोंट थिंक आई एम द राइट गाय ना। और ढेर चीज प्रभु को बताइस, बोले आई एम द रॉन्ग गाय, और बताए बोले द इजराइलिटीज वोंट बिलीव मी ना, देन आई टॉक टू गॉड। हालेलुया ना। लोग के लगे जाए बोले हम बताएगा कि परमेश्वर हमसे बात करे, तू लोग विश्वास नहीं करी हमें प्रभु, आई एम द रॉन्ग गाय, हमें नहीं तुम भेजो, हमें कोई विश्वास कर बे नहीं करी। प्रभु की जय। मूसा, मूसा के रिस्पॉन्स कैसे रहा? फिर कौन सी बताए, बोले बोले हम अच्छा से बात नहीं करे जनता प्रभु, हम बातचीत में थोड़ा गड़बड़ी है। बोले तुम्हें चाहे और कोई के भेजो, हमें नहीं भेजो। प्रभु की जय। कभी कभी हम नहीं मनता एक्सेप्ट करे हम के काम क्या है, हम सब मनता हाई फाइला काम, हम सब मनता ब्लू कोला काम, हम सब ऑफिस में मनता काम करे, हम मनता ऐसा काम करे जिसमें हम ढेर पैसा मिले, हम ढेर ऐशो आराम मिले, हम टेंशन फ्री रहे। प्रभु की जय। हम अपन काम नहीं मनता करे, हम मनता और कोई के काम करे। प्रभु की जय। प्रभु से पूछना है हम के कि हम लोग के काम कौन सी है, हम काय है दुनिया में, प्रभु तुम हमें काय भेजा, हमार पर्पस कौन सी है। ख्याल करना, वचन में बताया बोले कि तुम 70-70 इयर्स एट अच्छा रेक 80 इयर्स जाएगा और प्रभु के सामने जाकर खड़ा होएगा तो प्रभु पूछी तुम्हें कि कौन सी करा, अकाउंट देख पड़ी कि हम प्रभु पैदा होया, हमें कौन सी करे रहा, हम कौन सी करा। प्रभु की जय। और अगर तुम फेलिया में सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल इन डूइंग रॉन्ग थिंग्स ना, तो तुम्हारा अकाउंट रे प्रभु हम इतना सक्सेसफुल रहा इसमें, हम इतना पैसा कमाया, हम इतना चीज करा, हम ये चीज करा, तुम अपन अचीवमेंट्स को बताएगा कि जीसस गॉड आई डिड सो मेनी थिंग्स ना। गॉड बताए बोले हम नहीं जनता तुम्हें, बिकॉज तुम्हें जो काम देवा गेरा तुम वो काम नहीं करा। तो तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारा काम क्या है। अब सुलेमान राजा के देखो, अब सुलेमान राजा के लगे हम जाता, सुलेमान राजा के जब प्रभु उसके चुनीस की राजा बने के, तो प्रभु उसके लगे आए उसके ओपन चेकबुक दईस कि सुलेमान हम तुम्हें कौन सी दई, तुम कौन सी मनता हम तुम्हें दई। प्रभु की जय ना। तो ख्याल करना, परमेश्वर तुम्हारे लगे आवे है और तुमसे बातचीत करे मांगे है, तो तुम्हें मांगे बताए कि अच्छा हम कौन सी तुम्हें दे, बिकॉज हम मनता तुम राजा बनो ना, हम मनता तुम हमारे लोग के आगे बढ़ाओ, हम मनता तुम हमारा भवन बनाए बनाओ, अच्छा तुम हमें बताओ तुम कौन सी मनता। ओपन चेकबुक प्रभु रेडी है, राइट लिखे के कि हम तुम्हें कौन सी देगा। सुलेमान राजा कौन सी मांगी सरा, बोले मनता बुद्धि और बुद्धि ज्ञान ना, बुद्धि और ज्ञान, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हम तुम्हारे लोग के बोले अच्छा से तुम्हारी बातों में तुम्हारे साथ चला सके। प्रभु की जय ना। तो अगर तुम देखेगा दो ही इंसान जो यहां पर रहा,
एक मूसा वो परमेश्वर से बात करी, परमेश्वर उसके बताई तुम्हारा काम ही है। मूसा तो काफी रीजन दे बट तो वो भी उसको काम जो चीज रहा उसके करे पड़ा, प्रभु की जय, बिकॉज उसके काम रहा। और सुलेमान राजा उसके लगे भी परमेश्वर आए के उससे पूछी सब तुम्हें कौन सी दे, प्रभु की जय। तो तुम्हें अपन पर्पस को जानने के लिए तुम्हें पूछे पड़े कि हमारा कौन सी काम है, प्रभु हमारा काम क्या है, तुम कहां हम मनता हम फोकस करिए अपन जिंदगी में, हमें कौन सी करना है प्रभु कि तुम हमें इस्तेमाल करता है ये एरिया पे तुम हमें रखेगे, प्रभु की जय। हम अपन जिंदगी को देखेगा हमारी जिंदगी में परमेश्वर हमें रखीस कि हम लोगों को परमेश्वर के गीत गाने में, परमेश्वर के बातचीत करने में, परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु की जय, वोशिप कराने के लिए, प्रभु की जय। छोटा बच्चा से परमेश्वर हमें चुनी से उसमें करने में, क्लास 3 में पढ़ता रहा, ड्रम कभी बजाया नहीं, ड्रम में मैं बैठकर ड्रम बजाने लगा, लोग हमें थोड़ा कुछ सिखाईस, फिर परमेश्वर हमें कई सारा और इंस्ट्रूमेंट्स को सिखाने के मौका दीस, प्रभु की जय, प्रभु की जय ना। तो हम के अपने परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर हमारी काम क्या है। हम फॉर्म 7 में पढ़े रहा, हम मनता रहा जावे अकाउंटिंग करे, बट प्रभु हमें बताइस, प्रभु हमें स्कॉलरशिप को नहीं दीस, और जब स्कॉलरशिप दीस तो और कोई कोर्स की दीस, प्रभु की जय। और हम गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से बोला कि प्रभु हमारा माँ कितना कमती है कि हम जो चीज पढ़े मनता रहा हम पढ़ नहीं पाएगा, अब कौन सी हुई ना हमार कौन सी हुआ है। हम बोला प्रभु हम मनता हम कैसे तुम्हारी मिनिस्ट्री को हेल्प करें, कैसे अपने माता पिता को हम ख्याल करेगा, कैसे अपने परिवार को हम बढ़ाएगा, प्रभु की जय। हम परमेश्वर से पूछा प्रभु तुम कौन सी मनता हम करो, प्रभु हमारी जवाब हमको दे इस, बोले कि या इस स्कॉलरशिप नहीं इस स्कॉलरशिप है, बोले इसको तुम करो। माता से पूछा, माता पिता बोले अच्छा तुम जाकर पढ़ो देखो कैसे है, प्रभु जी प्रभु की जय। आमेन। परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है। हम परमेश्वर से बातचीत करा, जो रोज हमारा मार्क मिला हम घरे हम सोचता 1-2-3 बजे कुछ हम आया रात के, हम गया हम थिएटर में मूवी में एक मूवी देखा अपसेट, मार्क कमती कौन सी करेगा, मूवी देखा फिर वहां से पैदल रात के चलते चल के पैदल घर ही आया, प्रभु की जय। आरबी पटेल में काम करता रहा, प्रभु से बात करा, प्रभु कौन सी तुम रखा है, कौन सी रखा, कौन सी प्लेन है तुम्हारे हमारे लाइफ के लिए, कौन सी प्लेन है, गिड़गिड़ाया परमेश्वर के आगे, परमेश्वर से बोला कि हमारे दिल की ख्वाहिश कौन सी है प्रभु, तुम्हार कौन सी योजना है, प्रभु की जय। तो हम लोग के परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है, तब हम जानेगा कि हमों के पर्पस क्या है, बिकॉज गॉड के लगे परफेक्ट नॉलेज है हमों के बारे में, परफेक्ट नॉलेज है हमों के प्रभु ने बनाई से, अपने हमों के माँ के जो गर्व में प्रभु हमों को बनाई से अपने हाथों से, प्रभु की जय। परमेश्वर के महिमा से रही थे हमों, परमेश्वर परमेश्वर के महिमा से रचा गया है, प्रभु की जय। तो हम लोग के जानना जरूरी है कि हमों के पर्पस लाइफ में क्या है। जोशुआ को परमेश्वर बताइए बोले बोले जो नियम हम मूसा के दिया है उसको तुम पालन करो, प्रभु की जय। मूसा के काम रहा कि तुम जाओ इज़राइलिटी के वहां इजिप्ट से निकाल कर लेकाओ हमारी वादा के देश में, और जब वादा के देश में जाए करा मूसा को प्रभु बताइस बोले तुम वादा के देश में नहीं जाएगा, प्रभु की जय। तब जोशुआ आइस, जोशुआ को कौन सी बताइस प्रभु बोले जो मैं नियम को दिया है मोसेस को तुम पालन करना, प्रभु की जय। तो जोशुआ के काम कौन सी रहा, प्रभु उसके काम को देस। हम सब के लिए काम है,
अभी जो नामो काम करता है, काम पे जाता रोटी पार्सल लेकर, हमा चलाता, कुछ भी करता, ऑफिस में बैठता, काम करता, बेचता, वो हमों के काम नहीं है। हमों के मेन पर्पस वो नहीं है। प्रभु की जय। हमों के परमेश्वर जाने हमों के मेन पर्पस लाइफ में कौन चीज है। पौलुस के देखो, पौलुस क्रिश्चियन लोग के जो उस समय पर, जो प्रभु यीशु मसीह के समय पर उन लोग को मारता रहा, बिकॉज काए वो लोग अकॉर्डिंग टू हिम और कोई के बारे में ब्लास्फेमी करता रहा, कौन सी करता रहा उन लोग के स्टैंडर्ड के। बट पौलुस को प्रभु तैयार कर इस रहा कि उसके इंजील जेंटाइल्स के बीच में प्रचार करने के। प्रभु की जय। हम लोग के बीच में पौलुस के काम रहा परमेश्वर की इंजील को फैलाने के लिए। पौलुस के लिए काम रहा, वो जो काम करता रहा उसके वो काम नहीं रहा, बट प्रभु उसके लिए भी काम रखीस रहा। प्रभु की जय। तो तुम्हें अपन पर्पस को, अपन जो जिंदगी के मकसद है उसको फाइंड करना बहुत जरूरी है, खोजना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम बहुत सक्सेसफुल रहेगा डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, एंड यू विल बी द मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन बिकॉज तुम राइट थिंग्स करा नहीं। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमेन। हम जनता परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के जो वचन है बहुत गंभीर है, गंभीर है। और हम दिखता है कि परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स में ले जावे, ऐसे ऐसे बातचीत को दिखाए कि अभी इस जमाना के लोग जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का है ऐसा परमेश्वर के राज के काम के लिए। हमों का यहां पर है, हमों के लेके काम है, हमों के कुछ काम करना है, हमों के जो काम करना है उसको करेंगे हमों के। प्रभु की जय। हम देखिए बुक ऑफ साम्स चैप्टर 139 वर्स 1 और 2 को हम पढ़ दें। प्रभु की जय। यहां पर बताया बोले ओ गॉड ओ लॉर्ड यू हैव सर्च्ड मी एंड नोन मी, यू नो माय सिटिंग डाउन एंड माय रेजिंग अप, यू अंडरस्टैंड माय थॉट्स अफार ऑफ। प्रभु की जय। यहां पर बताया है कि गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। अभी तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हारा पर्पस कौन सी है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के लगे जाना है, परमेश्वर के लगे जाना है और उसे पूछे कि प्रभु हमें तुम काय बनाए रहा, व्हाई डिड यू मेक मी, हम कौन रीजन से इस दुनिया में तुम हमें अपन स्वासा देकर भेजा। ख्याल करना, जीसस परमेश्वर तुम्हें अपन सांस श्वास को देकर भेजी से। प्रभु की जय। तुम्हें अपन श्वास को देकर भेजी से, सो दैट मीन्स उसके जो श्वास है वो एक तुम्हें जिंदगी को दे से इस दुनिया में, और तुम्हें उसके कुछ जो काम करना है उसको काम करना है, वो अपन पर्पस से तुम्हें भेजी से। प्रभु की जय। तुम्हारा करेक्टर को जाने, तुम्हारा कंडक्ट तुम कौन सी करेगा जाने। प्रभु की जय। तुम्हारा सोच में कौन सी है, तुम्हारा कॉन्वर्सेशंस को गॉड जाने। प्रभु की जय। हर एक चीज प्रभु तुम्हारे बारे में जाने। और अगर तुम बुक ऑफ साम्स चैप्टर 139 हम देखेगा 5 से 7 के बीच में प्रभु बताए कि हम तुम्हारे साथ ऑलवेज है, आई एम ऑलवेज विद यू। ऐसा नॉलेज है गॉड के लगे तुम्हारे साथ में कि गॉड इज ऑलवेज विद यू। कभी कभी हम बोलता है कि वेयर इज गॉड व्हेन आई रियली नीड हिम, कि परमेश्वर कहाँ है जब हम कि सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर के। गॉड इज विद यू। प्रभु यहां पर तुम्हें बताए कि तुम्हें मौत छुपा नहीं सके। अगर तुम वहां पर पढ़ेगा वे 7 और 8 को, वहां पर बताया बोले डेथ कैन नॉट हाइड यू,
फ्रॉम गॉड ना। वेस्ट 9 and 10 के देखे तो बता बोले जो जो कितना दूर है तुम, 7 समुंदर पार है तुम, अपन देश से दूर है, अपन घर से दूर है, कहाँ पर है वो तुम्हें नहीं लुकाए सके, अंधेरा तुम्हें नहीं लुकाए सके। प्रभु की जय, हालेलुया। वेस 13-16 को पढ़ दे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के है और मैं इसे भलीभांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ उससे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बडल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। तो कितना सुंदर से यहाँ पर बताए जो डेविड ये बुक को लिखी से परमेश्वर के ना। डेविड ख्याल करना कौन रहा, बचन में बताया बोले डेविड वाज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। प्रभु की जय। डेविड जोन रहा परमेश्वर के हृदय के खोजी रहा कि परमेश्वर तू कैसे फील करता है, प्रभु तुम कौन सी सोचता है, परमेश्वर से इतना ज़्यादा बातचीत करता रहा, परमेश्वर के साथ में इतना ज़्यादा लौलीन रहा, वो खोज करता रहा कि प्रभु के हृदय कैसे। और यहाँ देखो परमेश्वर के हृदय के बारे में कितना अच्छा से लिखी से बोले फॉर यू फॉर्म्ड माई इनवर्ड पार्ट्स। तुम्हारे लंग्स को, तुम्हारे हार्ट को, तुम्हारे जितना चीज ओगन अंदर है, गॉड फॉर्म्ड इट, यू कवर्ड मी इन माई मदर्स वूम। प्रभु की जय। माँ के जो गर्भ मेरा प्रभु हमको ढाक के रखीसरा, हमको बचाए के रखीसरा। प्रभु की जय कि उसके जो इच्छा है वो पूरा कर सके। बोले आई विल प्रेज यू फॉर आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। प्रभु की जय। आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड बाय गॉड। तो जब हमको उतना खूबी से प्रभु हमको बनाई से, इतना सुंदर से हमको बनाई से, तो उजन बनाई से उसके कोई काम तो हुई। प्रभु की जय। उसको कोई काम तो हुई, कोई काम, कोई 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 पर्पस से प्रभु तुम्हें भेजी से ना। और यहां पर बताए कौन सी बोले, बोले मार्वलस आर योर वर्क्स एंड दैट माय सोल नोज इट वेरी वेल। तुम्हारे जो अंदर जो मनुष्य है, जो परमेश्वर की आत्मा वास करे है, जो परमेश्वर के सुवासा तुम्हारे अंदर है, जो प्रभु तुम्हें बनाकर भेजी से, बहुत बाली बांती जाने कि परमेश्वर के जो काम है कितना अच्छा है। तुम्हारे अंदर के जो व्यक्ति है, अभी हम अपन समझ से काम करता है, अपन अंदर जो तुम्हारा व्यक्ति है वो प्रभु को बहुत अच्छा से जाने है। बोले बोले माई फ्रेम वॉज नॉट हिडन फ्रॉम यू when I was made in secret and skillfully wrought in the low parts of the earth। हमको मिट्टी से बना है ना। प्रभु की जय। जब हमको प्रभु हमको बनाई से, बोले कुछ छिपा नहीं रहा। वेस 16 में बताया बोले यो I saw my substance being yet unformed and in your book they all were written the days fashioned for me when as yet there was none of them। तो प्रभु तुम्हें बनाने से पहले जान गेरा कि डेनियल के हम भेजता है, डेनियल के ई काम है, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रशंसा पर जाई, परमेश्वर के वचन को बांटी लोगों को, समझ को और उन लोगों को जो बातों को बताए, ऐसा बातों को जो प्रभु में उन लोगों को सोचने में और बनने में उन लोगों के काम रहे। प्रभु की जय। जो भटके हुए लोग हैं, जो जो परमेश्वर के खोज करे हैं, वो कैसे उसको मदद करे सके, प्रार्थना के द्वारा, उत्साहित के द्वारा। एक और भाई हमें मिला इस सप्ताह में, वो भाई हमें बताई से बोले कि बोले हम जिंदगी से तंग आ गया, बोले हम तंग आ गया, बोले हम नहीं जानता हम कुछ करें, प्रभु को जानने वाला लोग है, व्यक्ति है, हम तंग आ गया, हमारे औरत लड़कन चल दी से,
हम बहुत गलती करा, हम टूट गया, हमें घरे बैठता है, घर में खाना नहीं है, घर में कुछ है नहीं, प्रभु की जय ना। और हम तंग आ गया कि हम कौन सी करी अपन जिंदगी से, हम कौन सी करें, मैं से दिल करे रस्सी लेके बोले टंग जाओ, प्रभु की जय। ऐसा ऐसा व्यक्ति से परमेश्वर हमें मिलावे रोज, हमें कोई ना कोई कोई एनकाउंटर से प्रभु हम गुजारे है कि लोग से उत्साहित करो, कि लोग से बातचीत करो। तो परमेश्वर जो अपन काम है वो अपन काम को करावे कि हम मनता है कि तुम इस पर्सन के मदद करो इस सिचुएशन में ना। तबे से बोला जाए बोले तुम्हारे घर के द्वार में बोले कभी कोई अजनबी आएगे उसके पानी उसके लिए उसके भोजन पानी दे के लिए तुम्हारे लेके मांगे सकती रहे, प्रभु की जय। तुम नहीं जानता कि तुम्हें प्रभु किस कारण कौन सी करने के लिए इस्तेमाल करे, प्रभु की जय। खाली पादरी लोग के नहीं खाना खा पानी खवाए के, कोई अनजान व्यक्ति आएगे घर पर भोजन है भोजन से तृप्त करो, पानी दो, उन लोगों के अच्छा से बात करो, उन लोगों के अच्छा से उत्साहित करो, उन लोगों के बातों को सुनो कि कौन सी बोले उन लोग, प्रभु की जय। हमों के काम क्या है, प्रभु की जय। फिर यहाँ पर बताया बुक ऑफ वही साहब वही पढ़ेगा 17-18 के तुम पढ़ेगा, बोले गॉड हैज मी कॉन्स्टेंटली इन हिज हार्ट। प्रभु जाने कि हमों के काम क्या है। तो अगर तुम मनता जाने कि तुम्हारा पर्पस कौन सी है, तुम्हें परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु हमारा काम क्या है, हमें कौन सी करे के लिए, कौन सी के लिए करे के लिए तुम्हें बनाया है, प्रभु की जय। क्या करना, परमेश्वर हम के लिए चर्च में आए के लिए रोज चर्च के लिए नहीं है, हमों के एक दूसरे के लिए वचन बांटना, एक दूसरे को उत्साहित करना है जरूरी है, प्रभु की जय। एक और बालक एक और पर्सन हमें मिला, उसके बेटा बोले ड्रग्स में इतना डूब गई कि वो घरे आके हंगामा करी से बहुत भारी। एक माँ हमें आकर बताया बोले हमारा दिल रोएगे बिकॉज आज हम अपन लड़का के बोले जेल में बंद कराया, प्रभु की जय। हम अपने बेटा को जेल में बंद कराया बिकॉज वो अपन होशर आवाज में नहीं है, एक ऐसा ड्रग ले हुए है कि उसके हा को देखा हाल बोले उसके गड़बड़ है, याद है कौन चीज करे उसके, वो जाने है वो कौन चीज करे, बट उसके ड्रग इतना ज्यादा है कि सिस्टम में कि खलास, प्रभु की जय ना। कितना कितना लोग कितना कितना स्ट्रेस में है, तो उसके कौन चीज करी से पुलिस से बात करके उसको बताते बोले हमें अपन बेटा को बचाए के लिए मैं थोड़ा कुछ कोशिश करे के हमें तुम काइने स्ट्रेस वार्ड में भेज दो, नेटोका हॉस्पिटल में, कि इसके सिस्टम में से ड्रग्स निकले और इसके थोड़ा होशर आवाज आए और हमें मौका मिले कि उसमें काम करें, प्रभु की जय ना। ऐसा ऐसा व्यक्ति से हमें प्रभु मिलावे कि उन लोग को उत्साहित करे, उन लोग को बताए कि हमों के काम क्या है, तुम्हारे बच्चा लोग है, तुम्हारा लड़कन है ना, तुम्हारे जो बेटा लोग, उन लोगों के लिए दुआ करना जरूरी है, उन लोगों की देखभाल करना जरूरी है, उन लोगों के अच्छी अच्छी बातों को बताना जरूरी है। शैतान बहुत जोर तोर से काम करे कि उन लोग के सक्सेसफुल बनावे रोंग चीज करने में, प्रभु की जय। कुछ करे बट रोंग चीज करे के लिए उन लोग के लिए सक्सेस बिल्ड करे, शैतान उन लोग के इतना बिजी करे मांगे कि उन लोग अपन दुनियादारी में इतना व्यस्त रहे कि परमेश्वर उन लोग के लिए क्या काम रखी से वो काम नहीं करे, प्रभु की जय। हमों के बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना कि हमों के सबसे पहला चीज है बोले गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, उसके रकम हमों के बनाई से, उसके जिंदगी में प्लान रहा हमों के लिए जीवन देने के लिए, प्रभु की जय, बहुतायक से जीवन को देने के लिए। भाई वचन में लिखा मिले जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे बोले उसके बहुतायक से जीवन मिली, प्रभु की जय। तबे हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है बिकॉज उसमें हमको छुटकारा है, उसमें हमों के हर एक बंधनों को तोड़े है, प्रभु की जय ना। बोले हमों के काम है उसके जानो,
हमों के काम है उससे प्रेम करो, हमों के काम है उसके साथ में फेलोशिप करो, उसके साथ में मिलो, उससे बातचीत करो कि प्रभु आज हम कुंज करी ना, गिव मी माई डेली ब्रेड, प्रभु आज हमें तुम कौन काम से तृप्त करेगा कि आई विल बी सेटिस्फाइड इन माई लाइफ टुडे। हम वरी नहीं करेगा बिकॉज हम वही काम करता है जो काम तुम हमें सौंपा है। प्रभु की जय। तो भाई और बहनों, हमको जानना है कि हमो काहे यहां पर है, हमो के काम क्या है, हमो कौन सी करे आया है, हमो के जो नी बर्तन है, ये बर्तन में प्रभु हमो के अपन जो श्वासा है गारंटी के रूप में हमो के दे दी से, और ये श्वासा को हमो किस तरह से इस्तेमाल करता है, जितना भी समय प्रभु हमो को दे से इस दुनिया में। प्रभु की जय। हम एक व्यक्ति के वचन को कुछ बातचीत उसके यूट्यूब पे देखता रहा, वो भैया के लगे हाथ गोड़ नहीं है, हाथ गोड़ है बस छोटा छोटा हाथ गोड़ है ना, वो अच्छा से नाए धोए में उसके तकलीफ हुई, उसके लगे हाथ बहुत नहीं छोटा छोटा हाथ है, बट वो कौन सी करे परमेश्वर के वचन को प्रचार करे, वो कौन सी करे एक दूसरे के लिए उत्साहित बने, अपन जो हालत में वो लुक के नहीं पड़ा है, वो निकल के आई से बोले कि परमेश्वर में जैसा बने अच्छा बने। प्रभु की जय। परमेश्वर में जिस हालत में रखी से अच्छा बने। प्रभु की जय। प्रभु की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। बुक ऑफ इफिशियंस को हम देखे लास्ट वर्स, हम इसके बाद में प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपी हुए वचन को कि प्रभु हमें सिखाए और हमें दिखाए। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिद्धे है जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रभु की जय। यहाँ पर बताया बोले फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप। किसके वर्कमैनशिप है? परमेश्वर के हमों बनाने, हमों के परमेश्वर बनाए से उसके काम है, हमों के बहुत अच्छा से बहुत सुंदर से प्रभु ने बनाई से उसके काम है, हमों उसके वर्कमैनशिप है, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स, अच्छे काम करने के लिए ना। और बताया बोले विच गॉड हैज प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड एंड वी शुड वॉक इन देम। प्रभु की जय। सो दैट मीन्स तुम्हारे लिए प्रभु ऑलरेडी टैला मेक कर दी से कौन काम है तुम्हारे लिए, कि सुजल के लिए ई काम है, या शेल्फ में पैकेज बना के परमेश्वर रखी से कि सुजल के ई काम है, सुजल के काम है ई काम को कंप्लीट करना। प्रभु की जय। टैला मेड तुम्हारे लिए अलग से काम बना के रखी से सुजल नहीं सके प्रांजल के काम करे या शिवांजल के काम करे, सुजल सके अपन काम अपने करे, अपन खुद करे। और कौन सी यहां पर बताई से बोले प्रभु वी आर गॉड्स हैंडी वर्क क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू गुड वर्क्स। फिर कौन सी बताया बोले हु हैज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अस टू डू। प्रिपेयर्ड इन एडवांस तो हमों के लिए काम ऑलरेडी है, और हमों के प्रभु से पूछना है कि हमों के काम कौन सी है। प्रभु की जय। और तुम दूसरा काम नहीं सीखते करे, तुम्हारा जो काम है तुम्हें वही काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करियो कि प्रभु हमों को बताए और हमों को दिखाए और हमको समझाए कि प्रभु हमों के पर्पस लाइफ में कौन सी है, हमों का यहाँ पर है, हमों के कौन काम के लिए तुम भेजा है वो काम करने के लिए। प्रभु की जय। आमीन। सब आंख बंद करो, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद तुम्हारे वचन के लिए प्रभु, तुम्हारी जो वचन है दो धारी तलवार है प्रभु, हमें सिखाता है परमेश्वर, हमें काटता है प्रभु, हमें चैलेंज करता है परमेश्वर की तुम्हारे कामों में तुम्हारी बातों में प्रभु हम लौलीन हो जाए परमेश्वर, तुझे पहला स्थान दे परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें बनाया है प्रभु, तूने हमें रचाया है परमेश्वर, और प्रभु तुम्हारी काम
हमारे द्वारा प्रभु पूरा होए परमेश्वर, तुम्हारी इच्छा हमारे द्वारा प्रभु पूरा होए परमेश्वर। प्रभु आज हमारे चर्च में प्रभु और जितने लोग परमेश्वर सुनता है वचन को प्रभु, वो वचन को पाकर परमेश्वर खोजी बन सके परमेश्वर, तुझे पूछे परमेश्वर, तुझे खोजे परमेश्वर, ओ प्रभु अपने कामों के परमेश्वर वो प्रभु पता लगा सके और वो तुम्हारी काम को कर सके परमेश्वर। प्रभु तुम्हारी महिमा हो प्रभु, हम को सक्सेसफुल पर्सन्स बना प्रभु, सही काम करने के लिए परमेश्वर, प्रभु कोई गलत काम करने के लिए नहीं बट प्रभु सही काम करने के लिए। प्रभु तुम्हारी आत्मा की संगति हमारे साथ में रहे और प्रभु तुम्हारी महिमा हो तेरे प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन।